आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं हूं वसीम गत्तू। इस वक्त हम ठीक भरत रोड पे मौजूद हैं, एक मेन रास्ते पे मौजूद हैं। जिस तरह से आपको बताऊं कि पूरे टाउन के अंदर हम देखते थे ट्रैफिक जाम काफ़ी ज़्यादा लगता था और कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस पे कहीं ना कहीं सवाल उठता था। और आपको ये भी बताऊं कि कुछ दिनों पहले हमने एक खबर दिखाई थी आपको, जहां पे डीएसपी ट्रैफिक की तरफ से कुछ बोर्ड्स लगाए गए थे, वहां पे साफ तौर पे ये बताया गया था कि जो शख्स वहां पे गाड़ी लगाएगा उस पे कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी, 5,000 रुपये का चलान होगा। मगर आज हम देख रहे हैं सुबह से ही ट्रैफिक पुलिस काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। ठीक आप देख सकते हैं डीएसपी ट्रैफिक जो है खुद जो है चलान कर रहे हैं, उन लोगों पर शिकंजा कस रहे हैं जो लोग वायलेशन करते हैं, जो लोग वायलेटर हैं उन पर कहीं ना कहीं शिकंजा कस रहे हैं, जो लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। डीएसपी ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सर आपका वेलकम है। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस काफ़ी एक्टिव डोडा के अंदर नजर आ रही है, काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं ये भी कि ट्रैफिक जाम डोडा के अंदर काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो क्या बताना चाहोगे? देखिए ट्रैफिक जामिंग जहाँ तक है हमारा थोड़ा बस स्टैंड का इशू है, उस वजह से गाड़ियों की इनफ्लक्स कैपेसिटी ज़्यादा है और हमारे पास उसकी जो बस स्टैंड की कम जगह है, इस वजह से थोड़ा जामिंग पीक आवर्स में थोड़ा होता है। उसके लिए हमने ट्रैफिक पुलिस के काफ़ी लोग लगा के रखे हैं, अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि कम से कम जामिंग रहे। तो जहाँ तक आज का हमारा ये इसका है अपना ट्रैफिक वायलेशंस को देखते हुए, जो टू व्हीलर्स थे बहुत ज़्यादा टू व्हीलर्स वायलेशन हो रही थी, तो उसमें जो लोग विदाउट हेलमेट चल रहे थे, तो आज हमने विदाउट हेलमेट जो भी चल रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई की है। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि जो आज सिर्फ हमने विदाउट हेलमेट जो चला रहा है गाड़ी उस पर की है, पर कल से हम पिलियन राइडर जो है पीछे वाला जो बैठा है उससे भी हेलमेट पहनना पड़ेगा। सवाल आपसे जानना चाहूँगा, कुछ ही टाइम हम देखते हैं मुहिम देखने को मिलती है, क्योंकि हम पिछले दिनों देख रहे थे ट्रैफिक जाम काफ़ी देखने को मिल रहा था, लोग कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस पे सवाल उठा रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठा रहे थे। कुछ दिनों पहले हमने खबर दिखाई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि ट्रैफिक पुलिस के ज़रूर बोर्ड लगाए गए हैं मगर वहीं पर पार्किंग की गई है, और आपकी तरफ से ये भी बताया गया है 5,000 उन लोगों पर चलान होगा, तो कहीं ना कहीं आप पे भी सवाल उठ रहे हैं कब तक इसमें सुधार आएगा? देखिए हमारे पास यहाँ पार्किंग की कमी है, इस वजह से लोग सड़क पे पार्क करते हैं गाड़ी। हम बार बार लोगों से रिक्वेस्ट भी करते हैं, अपनी गाड़ी से क्रेन भी भेजते हैं, क्रेन से गाड़ियाँ उठवाते भी हैं, तो धीरे धीरे आदत बन जाएगी। काफ़ी सुधार आया है, जैसे ही थोड़ी पार्किंग की हमें जगह मिलेगी और हम करेंगे। बाकी सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपनी गाड़ी प्रॉपर रोड पे मत लगाएं, देख के लगाएं पार्किंग आपकी गाड़ी जो है। हमने एक वाइट लाइन ड्रा किया, वाइट लाइन के अंदर गाड़ी लगाएं तो आप पे हमें परेशानी नहीं है। यहाँ बेकरी रोड का चौक का जहाँ तक सवाल है, बेकरी चौक के यहाँ सामने लोग गाड़ियाँ लगा देते हैं जिस वजह से हमें चौक जाम रहता है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ बेकरी चौक के साइड पर गाड़ियाँ मत लगाएं, बाइक्स मत लगाएं। आज भी हमने बाइक्स उठाई हैं, गाड़ियाँ उठवाई हैं। कितने लोगों को आपने चलान किया और कितनी गाड़ियाँ सीज की इसमें? अराउंड 50 चलान हमने किए हैं हेलमेट क्रैश हेलमेट के, कुछ 10 गाड़ियाँ हमने उठा ली हैं, सीज की हैं 8-10 गाड़ियाँ। तो इस पर हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे, ये हमारा लगातार अब हमारा ये चलेगा। बताना चाहोगे जिन लोगों ने गाड़ियाँ तो ज़रूर खरीदी हैं मगर गलत जगहों पर पार्किंग करते हैं? मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है अपनी गाड़ी अपनी पार्किंग में लगाएं, प्रॉपर पेड पार्किंग है उनमें लगाएं, जहाँ जहाँ भी सड़क के बीच जिसकी भी गाड़ी मिलेगी उसको उठा लिया जाएगा, सख्ती से पेश किया जाएगा। हमने 5,000 का और 5,000 फाइन होगा। सर जिस तरह से हम देखते हैं आए दिन एक्सीडेंट के मामले डोडा के अंदर काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, और आज भी हम देखते हैं कि खास करके भरत रोड पर जो है बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग देखने को मिलती है, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे, उन ड्राइवरों को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए मैं सबसे ओवरलोडिंग को लेके जब से मैं हूँ मैंने जीरो टॉलरेंस रखी है। जहाँ तक भरत रोड का तलक है, भरत रोड पे हमने एक रेगुलर बिल्कुल एक अपना रैंप रखा हुआ है, जो 3 बंदे हमारे रोज़ भरत रोड पे रहते हैं। बट मुझे चाहिए वहाँ पब्लिक कोऑपरेशन, जैसे ही हमारे लोगों का पता लगता है तो ड्राइवर्स पब्लिक को उतार देते हैं, लोग पीछे लोग पैदल चल रहे होते हैं। हमारे पास कुछ वीडियो अगर आप देखना चाहेंगे तो हजार सैकड़ों में लोग पैदल चल रहे होते हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि कोऑपरेट करें हमारे साथ, आप गाड़ी से मत उतरें हमें, और जहाँ भी जो ओवरलोड गाड़ी मिलती है उसका हमें फ़ोन करें, हमें बताएं, इमीडिएटली हमारी टीम पहुँचती है, एक टीम हमारी वहाँ रहती है हर जगह पर, खिलानी से लेके किश्तवाड़ तक हमारे अलग अलग जगह पर रैंप है, अलग अलग ट्रैफिक पुलिस रहती है तैनात। जो भी ट्रैफिक हमारा जहाँ भी दिखता है उसको बताएं, जो भी गाड़ी ओवरलोड चलती है उस पर हम सख्ती से कार्रवाई करें। माइनर बच्चे हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं, कुछ वीडियोज़ भी हमारे पास आई हैं, और शाम के टाइम हम देखते हैं टू व्हीलर्स पर काफ़ी माइनर बच्चे होते हैं, क्या मैसेज होगा आपका उन सब लोगों के? मेरे जो माइनर बच्चे गाड़ी चलाते हैं उनके पेरेंट्स से ये मैसेज है, और ये मेरा लास्ट मैसेज रहेगा कि काइंडली अपने बच्चों को जो माइनर बच्चे हैं उनको स्कूटी बाइक वगैरह चलाने से के लिए मना करें, चलाने के लिए ना दें। अगर आप मुझे मिलेगा कोई कल से तो उस पर फिर कार्रवाई होगी, हम गाड़ी कन्फिस्केट कर देंगे, फिर वो गाड़ी मिलेगी नहीं। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा दोनों तरफ से पार्किंग होती है, इनलीगल पार्किंग हम बताएंगे उसको, क्योंकि एक मेन रास्ता वो रहता है और डिग्री कॉलेज के बच्चों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत रहती है, क्या बताना चाहोगे कब तक उस पर भी कार्रवाई होगी?
डिग्री कॉलेज के जो भी आगे पीछे पब्लिक है डोडा की, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी जो पार्किंग है उसी में गाड़ी लगाएं, सड़क में पार्किंग ना लगाएं, किसी भी टाइम हम जाके वो गाड़ियां उठा लेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी काइंडली पालन करें ट्रैफिक रूल्स का, तो गलत जो भी होगा उसको स्ट्रिक्टली डील किया जाए। बहुत कुछ टाइम से बात करने के लिए डीएसपी ट्रैफिक पंकज सोजन जी हमसे बात कर रहे थे। जिस तरह से आपको बताऊं कि इनने साफ तौर पर बताया कि जो शख्स भी कानून का पालन नहीं करेगा, जो भी रूल रेगुलेशंस हैं ट्रैफिक के वो फॉलो नहीं करेगा, उन पे शिकंजा कसा जाएगा। ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं इनलीगल तौर पे पार्किंग रखी गई थी, लोगों की तरफ से लगाई गई थी सुबह से ही गाड़ियाँ, मगर उन गाड़ियों को कहीं ना कहीं सीज किया गया और इनका साफ तौर पर कहना है जो भी वायलेटर्स हैं उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। और पेरेंट्स से खास करके अपील है, जो माइनर बच्चों को अपनी गाड़ियाँ देते हैं, बाइक देते हैं, उन पे भी कहीं ना कहीं अपील है, उनको मत दीजिए, कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हो जाएंगे। तो अब देखना ही होगा कि लोग किस तरह से इनके साथ कॉपरेट करते हैं। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज, वसीम गत्तू, डोडा। भाई रहना पीछे, भाई